गुरु जी की फतेह। अस्सलामुअलैकुम। जिवें कि आप जी नूं पता है कि अज 6 जून है और 6 जून दे विच जिस तरह सिख कौम नाल ज़ियातियां होईयां सन, जिस तरह इंडियन जालम सरकार ने, इंडियन आर्मी ने अकाल तख्त दे उत्ते हमला कीता सी, उन्हां दे जवाब सिख कौम दे 155 जुझारू सिंह खड़े सन और उन्हां इंडिया 9000 फौज मार दित्ती सी। पर उन्दे तो बाद इंडियन आर्मी ने जिस तरह टैंकों नाल, जिस तरह तोपों नाल, जिस तरह हैलीकॉप्टर नाल हमला किया और सिख नसलकुशी करन दी कोशिश की, ऐ दुनिया दे विच इंदी मिसाल नहीं मिलती कि छोटे छोटे बच्चों शहीद किया गया, साडियां औरतां, साडियां मावां पैणां दे गलां दे विच टायर पा के जलाए गए, साडे बंदियां नूं अग ला के शहीद किया गया, दरबार साहब की बेहुरमती हुई, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई। इस दिन नूं असीं कदे भुल नहीं सकते, ना असीं इहनूं माफ़ कर सकते हैं। पर एक गल मैं इंडियन जालम सरकार नूं दसना चाहवांगा कि अल्लाह की लाठी, रब की लाठी बड़ी बेआवाज़ होंदी है। तुसीं कश्मीर दे विच लाकडाउन लाया तो रब ने पूरी दुनिया दे विच ही लाकडाउन ला दिता। ऐ तुहानूं ऐ जिहड़ियां शहादतां ने, जिहड़ी लोकां ने कुरबानियां दित्तियां ने ना, ऐ रंग लियाणगे और तुसीं इंडिया जालम सरकार तुहानूं ऐ भुगतना पैणा। अज इंडिया दे विच हर बंदा तंग है, इंडिया दे विच मुसलमान तंग ने, इंडिया दे विच सिख तंग ने, इंडिया दे विच मसीह भाई तंग ने, इंडिया दे विच छोटी जातां वाले हिंदू तंग ने और हर जगह ते जुलम हो रहा है। पर जुलम दा अंजाम, जुलम दा एंड बड़ा पैड़ा हुंदा है। ऐ मोदी जालम सरकार, ऐ सुन लो, अज ऐ मुसलमान वीर साडे नाल ने, अज ऐ तहरीक मिनहाजुल कुरान साडे नाल है, अज साडे बाकी सारे दोस्त साडे नाल ने। ऐ मुसलमान वीरां ने अज यकजहती करके विखा दिता कि जिस तरह सिख कौम हर जगह पर पहुँच जाती है, अज सिख कौम इंडिया दे विच लंगर की जरूरत है और किहड़े लंगर की, ऑक्सीजन की, तो इंडिया दे विच सिख लंगर ऑक्सीजन दे रहे हैं। पर ऐ मोदी जालम, तेनू कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। कई पिछले साल तो किसान धरने पर बैठे ने, तेनू नज़र नहीं आता। पिछले साल तो कश्मीर च लाकडाउन है और लोग शहीद हो रहे हैं, तेनू नज़र नहीं आता। पर मोदी एक गल सुन लै, ऐ दुखी लोग ऐ तेरा सिर लह के रहेंगे। और मैं ऐ कहांगा कि एक शायर कहता कि हर तंस किया जाए, हर ताना दिया जाए, कुछ भी हो अब हद अदब में न रहा जाए। तारीख ने दिया है कौमों को यही पैगाम, हक मांगना तोहीन है, हक छीन लिया जाए। मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान, अवामी तहरीक, जड़े साढ़े बाकी दोस्त आए ने, जमात दावा दे दोस्त और मेरे सुन्नी भरा, मेरे बाकी जिन्हें दोस्त ने, मेरे मसीह भाई जिन्हें साढ़े नाल अज यकजहती की, मैं सारे का धनवादी हाँ। और मैं दुनिया को यह दसना चाहना कि इंडिया जालम जालम सरकार है और जरा अपने आप को कहता कि असी बहुत वड्डी जमहूरीयत है, उत्थे कोई जमहूरीयत नहीं है, उत्थे जमहूरीयत है तो सिर्फ बामणा वास्ते, बाकी उत्थे कोई जमहूरीयत नहीं। और मैं UNO नूं, अक्वामी मुतहदा दी सारी तंजीमां नूं एक रिक्वेस्ट करदा कि जिहड़े कश्मीर च मुसलमान बंद ने, जिहड़े धरने दे उत्ते सिख बैठे ने, जिहड़े 84 दे विच सिखां नाल मुजालम होए ने, असी भी इंसान हाँ, साडा भी हक है, सानूं अपना हक चाहिए, असी अपना हक मंगदे हाँ, हथ जोड़ के मंगदे हाँ। सानू इहदे ते मजबूर ना करो कि असी हथ गल च पा के अपना हक फिर खो लईए, साडे कोल इह भी ऑप्शन है। पर साडी हथ जोड़ के बेनती है कि सानू साडा हक दिता जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जालम सरकार जिंदाबाद, इंडिया जालम सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।